वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये आने वाले एग्जाम में 10 जुलाई 2020 को जो एग्जाम होगी, हो सकता है कि ये सम आपको आ ही जाए। तो दोस्तों, मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचाया जाता है। एक लाइक और लाइक तो बनता ही है, लाइक और सब्सक्राइब आप कर ले तो बहुत अच्छा है, इससे हम प्रोत्साहित होते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ड्यूरिंग द ईयर 2018 दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,66,000। सी डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। सी ने कोई पूंजी नहीं लगाई। ही इंटाइटल टू एन अनाउंस सैलरी ऑफ ₹24,000 सैलरी पाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% इज अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी हु कंट्रीब्यूटेड ₹1,60,000 ईच। ए और बी ने जो ए और बी को उनकी पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, जो उन्होंने ₹1,60,000 प्रत्येक ने लगाई। इन एडिशन टू दिस, सी इंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट एंड कमीशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि इसमें कमीशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपके लिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट होगा। तो दोस्तों, सी को 5% कमीशन देना है, लेकिन टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, टोटल प्रॉफिट पर जो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रॉफिट आएगा वो आपको दो चीज़ें, आप उसमें से टोटल जो दिया है प्रॉफिट, उसमें से दो चीज़ें आप माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इजीली मिल जाएगा और सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इसमें कमीशन जो दिया वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको दो, इन दो को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला रहेगा, रिमेनिंग जो अमाउंट निकलती है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में रहेगा 100 प्लस रेट, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 5% है तो मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में 100 प्लस 5 करके आपको सॉल्व करना है। इट वॉज डिसाइडेड अगेन दैट द रिड्यूशल ऑफ प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएट एज टू 20% फॉर अ चैरिटी फंड एंड बैलेंस टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। ऐसा निश्चय किया गया था कि रिड्यूस्ड ऑफ प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएट एज टू 20%। प्रॉफिट में से ये सब माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर 20% डोनेशन आपको देना है। फॉर फंड, फंड के रूप में डोनेशन या चैरिटी दान के रूप में एक फंड बनाना है, फंड। एंड बैलेंस टू बी शेयर्ड इक्वली, और रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है ए और बी में। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स वर ए ₹20,000, बी ₹18,000, सी ₹26,000। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह आहरण दिया है 20,000, 18,000 हो 26,000। अब आगे आपको दिया है प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट
और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2018 को आपको तैयार करना है। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग इसमें डेट दिए 31 दिसंबर 2018 आएगा। डेट यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 होगी। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी शुरुआत जब करते हैं तो इसको क्रेडिट साइड से आपको शुरू करना है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप लिख लेते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में आपको प्रॉफिट देखना है, जो कि क्वेश्चन में आपने रीड किया 1,66,000 का इसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। 1,66,000 प्रॉफिट लिखने के बाद अब चूंकि इसमें सेकंड चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए नहीं लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिख करके पहले बैलेंस बीडी में प्रॉफिट लिखा और क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया, तो ये आ गया 1,66,000। अब आते हैं हम डेबिट पर। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों सिर्फ टू पार्टनर्स को मिलेगा, क्यों, ए और बी को। सी ने तो कैपिटल लगाई नहीं है तो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, उसको नहीं दिया जाएगा। तो ए और बी ने कैपिटल, दोनों ने 1,60,000 ईच पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है। 1,60,000 की पूंजी दोनों, 1,60,000 लगाई, उसका 5% इंटरेस्ट निकालना है। तो 1,60,000 का 5%, 1,60,000 गुणित 5/100। तो दोस्तों जब 1,60,000 का 5% आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट 8,000, और बी का भी ऐसे ही होगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आ जाता है 8,000। दोनों का टोटल किया 16,000। सी को सैलरी दी जाती है 24,000। अब मेन है दोस्तों 1,00,000, यहाँ पे सीज कमीशन, सी को जो कमीशन दिया जाता है, ये जो कमीशन कैलकुलेट होगा तो हमें करना क्या है कि इसका जो टोटल है 1,66,000 टोटल प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को माइनस कर देना है। तो 1,66,000 में से आपको माइनस कर लेना है कितना, 16 + 24 = 40,000। 40,000 माइनस करने के बाद आपका आता है 1,26,000। तो यहाँ पर आपने ये 1,26,000 का आपको कैलकुलेट करना है। परसेंट कितना दिया है, कमीशन 5% है। दूसरी चीज इसमें नीचे आएगा, ध्यान रखें, नीचे आएगा 105, क्या अपॉन में आएगा, क्या 100 प्लस रेट होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 105 कर दिया। 5 के टेबल से आप इसको काट देते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, और फिर आपको 21 के टेबल से ये 6 टाइम में सीधा कट जाएगा 126, तो आपका आ गया कितना, 6,000 आ गया। तो ये आपका आ गया कमीशन 6,000 सी का कमीशन। फिर दोस्तों इसके नीचे पॉइंट आता है डोनेशन चैरिटी। एज ए चैरिटी में 20% देने का बोला है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस जो भी हुए वो सब माइनस करने के बाद, तो 1,66,000 में से पहले आपको इन तीनों को माइनस कर लेना है, 16,000, 24,000, 6,000, इनका टोटल आपका ये माइनस किया था 1,26,000 आया था, 6,000 और माइनस कर लेते तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 आपकी ये अमाउंट होगी, इस पर आपको चैरिटी लगाना है, चैरिटी होगी 20%। तो 1,26,000 का, सॉरी 1,20,000 का 20%, 20/100, तो ये जीरो से जीरो, 2 0 कैंसिल कर दिया और 12,000 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 आ गया चैरिटी। अब चैरिटी अमाउंट लिख लेने के बाद
क्रेडिट साइड का टोटल 1,66,000 सेम लिख लेंगे डेबिट साइड में, और ऊपर की सभी अमाउंट को प्लस करके 1,66,000 में से हम कर लेते हैं माइनस, तो आपका आ जाएगा बैलेंस सीडी 96,000, यानी कि नेट प्रॉफिट 96,000 आया। अब दोस्तों ये 96,000 को बोथ पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे, ए और बी में। सी को इसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 48,000 शेयर आ जाएगा, 96 को 1/2 कर दें तो आपका 48,000 आ गया। अब आपको वर्किंग नोट में ये नीचे बना सकते हैं वर्किंग नोट, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, 1,60,000 का 5% 8,000 आया, 160 का 5% 8,000। ऐसे कमीशन निकालने के लिए कमीशन ऊपर बता दिया गया है, कमीशन 1,66,000, पहले 166 में से 40,000 माइनस किया तो आया कितना 126 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 100 प्लस रेट यानी कि 105। इसको 5 से काटा 21 से काटा 21 के टेबल में 6 टाइम में 126 होता है, तो ये आपका 6,000 कम आ जाता है कमीशन। अब दोस्तों हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोस्तों आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम ए पार्टनर बी और सी, ए बी सी, फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर ए बी और सी। यहाँ दोस्तों चूंकि सी ने कोई कैपिटल उस नहीं लगाई है इसलिए सी का कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, फॉर्मेट में बना दिया गया बस। क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, तो पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल लगाई है उसको लिखना है इसमें और कुछ नहीं। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में ऐसा होगा कि आपको करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बोला जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं। तो ए का कैपिटल 1,60,000 और बी का भी 160,000, दोनों को लिख करके टोटल कर दिया, और सेम आपको इस साइड लिख देना है टू में बैलेंस सीडी। अब चूंकि कोई अमाउंट नहीं होगी तो सेम अमाउंट इधर आ जाएगी 160। अब दोस्तों हम देखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट साइड में पर्टिकुलर ए बी सी सेम फॉर्मेट होगा ऊपर जैसा, ऐसे ए बी और सी। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर क्रेडिट से शुरू करते हैं, तो पर्टिकुलर में बाय में लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी दोस्तों समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर स्पेस कम था तो कंजेस्टेड लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था वो लिख देना है। ए का 8,000, ऐसे बी का 8,000, सी का कोई शेयर नहीं होगा तो डैश लगा दीजिए। अब हमें देखना है बाय, सेकेंड आता है इसमें जितने भी एक्सपेंसेज हैं सब लिखना है आपको, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेज। बी को यहाँ पर आ जाएगा सैलरी है, बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ सी को प्रोवाइड की जाती है तो सी के उसमें लिखना है, बी ए और बी में डैश लगाया, और सी के शेयर में आपको 24,000 लिखना है। फिर आता है कमीशन, कमीशन 6,000 निकला था जो सी को दिया गया था वो सी के उसमें लिख देंगे। फिर आपको प्रॉफिट लॉस ए और बी, अभी हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 48,000 आया था, तो ए और बी प्रॉफिट होता है तो इसको क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखना है। तो अभी हमने क्रेडिट में प्रॉफिट लिख दिया, ए और बी का शेयर 48,000, टोटल कर लेंगे इस साइड का 56,000, बी का 56,000, सी का 30,000। ऐसे ही डेबिट साइड में आपको सिर्फ ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में तो ड्राइंग लिख लेते हैं, ड्राइंग आ गया आपका ए का 20,000, बी का 18,000, सी का 26,000। अब इसमें सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन जो क्वेश्चन में नहीं दिया है इसलिए नहीं लिखना है दोस्तों। अब बैलेंस सीडी, अब क्रेडिट के टोटल में से अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे,
एक 56,000 से आपको 20,000 लेस करना है तो आपका बैलेंस शीट आ जाएगा 36,000। बी का टोटल आया 56,000, इससे आपको 18,000 लेस करना है। 18,000 लेस करने के बाद बैलेंस आ जाएगा 38,000 बैलेंस, ये कैपिटल होगी। और सी का जो टोटल 30,000 आया उससे 26,000 माइनस करते तो आ जाता 4,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हम इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।